so now let's uh, do our example example 11.14 now uh, we have a system of three components a mixture of ortho meta and para mononitrotolines containing 64 and 36 mole percent respectively uh, respectively of the three isomers is to be continuously distilled to give a top product of 98 mole mole percent percent ortho ortho and the bottom is to contain 12.5 uh, right dekhein, uh, jo feed composition इतने मोल परसेंट है जो आपकी फीड है ठीक है अब इसमें टॉप प्रोडक्ट क्योंकि आपके जो ऑर्थो है मोस्ट वॉलोटाइल कंपोनेट तो उसको हमने एक्स डी दे दिया है उन्होंने के 98 मोल परसेंट चाहिए टॉप प्रोडक्ट में उसकी और बॉटम प्रोडक्ट में उसकी होगी 12.5 मोल परसेंट एक कंपोनेंट की इन्होंने टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट में कंपोजिशन बता दी है ठीक है नाउ द मिक्सचर इज टू बी डिस्टिल्ड एट अ टेंपरेचर ऑफ 410 केल्विन रिक्वायरिंग अ प्रेशर इन द बॉयलर ऑफ अबाउट 6 किलो न्यूटन पर मीटर हर बारेपी बैलेंसेस नहीं लगाएंगे रेंज so, uh, 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 में ही दिया है तो ये थोड़ा सा देखना होता है इफ अक्स रेशियो ऑफ फाइव इज यूज रिफ्लक्स रेशो भी हो गई हाउ मेनी आइडियल प्लेट्स विल बी रिक्वयर्ड एंड वट विल बी द अप्रोक्सीमेट कम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रीम्स राइट right. दो चीजें मालूम करनी है प्रोडक्ट स्ट्रीम्स यानी कि प्लेट्स पे जो कंपोजिशन है लुइस ऑरन मेथड अप्लाई होगा ना नाउ द दॉलेटिलिटी अब यहां पे देखें द वॉलेटिलिटी ऑफ ऑर्थो रिलेटिव टू द पैरा आइसोमर मे बी टेकन एज 1.7

मेटा की रिलेटिव टू पैरा ले लें 1.16 ठीक है तो आपके पास रिलेटिव वॉल्यूटिलिटीज बेसिकली तीनों की आ गई ऑर्थो की में मेटा की भी पैरा की भी पैरा की हम वन लेंगे उसकी 1.7 और 1.16 अच्छा अब लेकिन यहां पे हम मटेरियल बैलेंस वगैरह तो लगा सकते हैं लेकिन रिमेंबर ये थ्री कंपोनेंट्स हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे नहीं होते तो जैसे मैंने पहले कहा कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा एक एस्टिमेशन से आपकी सारी विंडोज खुल जाएंगी और आप इजीली इक्वेशंस को लगा के मटेरियल बैलेंस को इस्तेमाल करके तमाम बाकी आ, बाकी जो वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं ठीक है तो आ, यहां पे अब हम फर्स्ट एस्टिमेशन करेंगे वो आप देख सकते हैं एज अ फर्स्ट एस्टिमेट इट इज सपोज दैट द डिस्टिलेट कंटेन्स 0.6 मोल परसेंट मेटा एंड वन मोल परसेंट पैरा Uh, तो एस्टिमेट हमने एक ही की, की है, जाहिर है जब उन्होंने खुद कह दिया है कि जो टॉप uh, प्रोडक्ट है उसमें यानी कि डिस्टिलेट है उसमें और 98%, तो हमारे पास दो परसेंट का क्वेश्चन है दो परसेंट में हमने फिट करना है मेटा uh, को और पैरा को ठीक है अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेटा है ना वो है वन पॉइंट वन सिक्स इसकी रिलेटिव टू पैरा जबकि ऑर्थो की है पेरा से 1.7 की तो इसलिए आज से हमने ये कर दिया कि जो uh, टॉप प्रोडक्ट है उसमें टू परसेंट में से हमने कह दिया एज एन एस्टिमेट के जो सिक्स परसेंट है ना uh, मतलब पॉइंट सिक्स मोल परसेंट है वो मेटा होगा और वन पॉइंट फोर मोल परसेंट पैरा होगा राइट right? सो दिस इज आवर फ एस्टिमेट जो कि टू परसेंट में से हमने लगाना था और हमें यह पता चला है कि फ्रॉम द लिटरेचर वी कैन सी दैट के और ये जो रिलेटिव रेलेटिविटिलिटी की वैल्यूज हैं इनसे भी पता चल रहा uh, है कि जो पैरा है पैरा लाइटर कंपोनेंट है एज कंपेयर टू मेटा तो वो चूंकि लाइटर कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है Uh, के तो जो टॉप uh, प्रोडक्ट है उसमें पैरा ज्यादा होगा दो चीजें आ गई हमें पता चल गया कि पैरा थोड़ा ज्यादा होगा टॉप प्रोडक्ट में क्योंकि बीइंग द लाइटर कंपोनेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो अब हमें ये पता चल गया कि दो परसेंट में से वन से कुछ ज्यादा हमने लेना है ये कॉमन सेंस हमें बता के फ्रॉम लिटरेचर ठीक uh, है कि हमें ये पता है कि फ्रॉम द रिलेटिव रिलिटीज एंड फ्रॉम लिटरेचर एज वेल वी कैन फाइंड दैट आउट के, uh, well, uh, के uh, अब हमने जो मेटा और पैरा की एस्टिमेशन uh, लगानी है कि टॉप प्रोडक्ट में कितने है चूंकि पैरा जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है मेटा के निस्बत तो इसलिए वो जाहिर है टॉप प्रोडक्ट में उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो अब हमने ये भी कर सकते थे हम 1.2 ले ले लेते 1.3 भी ले सकते थे हमने ले लिए 1.4 एक एक एस्टिमेट है इससे ज्यादा हम कोई इक्वेशन व रनिंग है जिसे हम ये पता लगा सके लेकिन ये आसान है क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीन कंपोनेंट्स हैं जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पास पांच छे होते तो फिर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता लेकिन फिर भी अगर हमें ये पता होता से फाइव कंपोनेंट्स हो, और आपके टॉप प्रोडक्ट में आपको पता हो जो चार कंपोनेंट्स की आपने उस फाइव परसेंट में से निकालनी है तो वो आप अगेन डिपेंडिंग अपॉन के उनके बॉयलिंग पॉइंट का रिलेटिव वॉलिटिलिटी का क्या स्नारियो बनता है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले तो आप ये निकाल लेंगे ना कि इसमें आ, लेंगे कि ये ये सबसे आ, कम बॉलिंग पॉइंट वाली है वो तो पता चल गया कि उसके ज्यादा जैसे इस केस पे और तो है फिर सेकंड बॉलिंग पॉइंट कम है फिर थर्ड बॉलिंग पॉइंट कम है इस लिहाज से आप, आ, इसको निकाल लेंगे ओके सो आ, ये करने के बाद अब, अब आगे हम जब सारी कंपोजिशन वगैरह निकालेंगे तब पता चलेगा कि ये अगर हम 1.3 भी ले लेते ले तो कोई मसला ना होता 1.5 भी ले लेते तब भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर uh, uh, जी तो ये जब एक बार हमारे पास आ गया तो हमने अब मटेरियल बैलेंस से स्टार्ट किया हंड्रेड किलोमोल हमने ले लिया फीड का Uh, और फिर हंड्रेड इन टू फाइव तो डी और डब्ल्यू आ गए अब डी और डब्ल्यू आने के बाद हमने क्या किया कि ये देखें अब फीड में ये तो खुद ही उन्होंने दे दिया हंड्रेड में से सिक्सटी फोर और थर्टी सिक्स है Uh, हमें ये पता है कि 55.56 है राइट right? 55.56 मल्टीप्लाई करें 0.98 से तो ये आता है 54.44, राइट right? अब ये हमने खुद से एस्टिमेट किया है 55.56 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट इज इक्वल टू दिस एंड 55.56 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट इज इक्वल टू दिस अब ये चीजें आ गई हमारे पास अब ये हमें पहले से मालूम है कि 12.5 परसेंट है ठीक है

44.44 मल्टीप्लाई बाय एक्स ठीक है अब यहां से हम ये जो इसके मोल फ्रैक्शन है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज पॉइंट तो ये आ गई एट अब जब 8.3 परसेंट आ गई तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.67 आ गई राइट और जब ये मेटा के आगे तो आपको पैरा के लिए तो ये तमाम इक्वेशन भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि 100 में से माइनस करते हैं 12.5 प्लस uh, 8.3 तो आपके पास 79 79.2 आ जाएगी 0.792 को मल्टीप्लाई करें 44.44 .44 से तो आपके पास बॉटम प्रोडक्ट की भी वैल्यू आ जाएगी तो 0.6 और 1.4 आपने एस्टिमेट किया बाकी सारी इजीली फ्रॉम इक्वेशंस एंड मटेरियल बैलेंसेस वगैरह आपके पास वैल्यूज आ गई हैं तो आपके पास जो टेबल है वो कंप्लीट होगी फीड में कितनी है आपको चाहिए डिस्टिलेट में कितना चाहिए और बॉटम में कितना चाहिए अब आप आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं करने वाली वो क्या है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालनी है और कंपोजिशन ऑन ईच प्लेट तरीकाकार वही है जो आप देख चुके हैं लुइस और मेथड में, में कि हम कंपोजिशन uh, मालूम करते रहते हैं जब तक हम कंपोजिशन ऑफ फीड प्लेट पे नहीं चले जाते हैं फिर हम फीड प्लेट वाली कंपोजिशन पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी फीड और फिर उसके बाद आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है इसमें भी यही है बस थोड़ा सा आप फॉलो करें कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती रह जाएंगी एज कंपेयर टू द बाइंड मिक्सचर अच्छा फॉर्मुलेस वही है देखें लिक्विड फ्लो एल एन इज इकोड फाइव डी अब रिमेंबर के आपके पास क्या था एल एन ओवर डी इज इको रिफ्लक्स रेशियो तो रिफ्लक्स रेशियो एज गिवन इन द स्टेटमेंट इट इज फाइव so ln will be equal to 5d is equal to 5 multiply by 55.56 that is 277.8 हो okay. गया now vapor vapor composition इन्होंने कहा था 6d ये भी कर सकते हैं और आप जिससे ज़्यादा equation से familiar रहेंगे यानी कि ln plus d वो भी आप कर सकते हैं तो एक ये similar आपके पास value आएगी 333.4 okay सो अब ये एल एन और वी एन हो गया फॉर द टॉप ऑपरेटिंग लाइन एंड देन फॉर द बॉटम ऑपरेटिंग लाइन वी हैव क्यों है क्योंकि फीड इज लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये आई थिंक लिख दिया है हा एज्यूमिंग एज्यूमिंग द फीड इज लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट सिंस इट इज नॉट मैं यू कैन एज्यूम दैट Uh, तो Q इज इकडू वन हो गया तो एल एम प्लस Vn, परेशन और वी एम निकाल लिया फिर इक्वेशन फॉर द टॉप ऑपरेटिंग लाइन अगेन आप पढ़ चुके हैं 11.37 ये है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें वैल्यूज पे पुट कर दें अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अब हम क्या करते थे वहां चूंकि हमें एक ही कंपोनेंट की कंपोजिशन निकालनी होती थी हम क्या करते थे कि हर प्लेट पे बेंजीन की कंपोजिशन क्या है या हर प्लेट पे एथेनॉल की कंपोजिशन क्या है मोर वोलोटाइल कंपोनेंट की कंपोजिशन निकाल लेते थे यहां पर जरूरी होगा कि हमें हर कंपोनेंट की कंपोजिशन निकालें क्योंकि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ना अल्फा रिक्वायर करती है कि हमें हर कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी जरूरी है और उसको सम अप करना जरूरी है तो इसलिए वहां पे भी अगर होता अगर इस तरह के हम हम हमारे पास जो मदर इक्वेशन होती वो इस तरह की होती बाउंड करती है हमें कि हर कंपोनेंट की निकालनी है तो हम बेंजीन के अलावा टोलिन के भी निकालने पर मजबूर हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे हमें लाजमी करना पड़ेगा तो इसलिए हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और एज यू कैन सी के जाहिर है क्या चीज तब्दील होगी सबके लिए एक्स डब्ल्यू दिस वन ये देखें आप देख सकते हैं कि ये सबके लिए डिफरेंट है इसी तरह एक्स डी भी डिफरेंट है यानी कि बॉटम के लिए भी हर कंपोनेंट की इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्स डब्ल्यू और टॉप ऑपरेटिंग लाइन के लिए भी हर कंपोनेंट की इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ एक्स डी तो ये आप देख सकते हैं कि देखें जो क्वेफिशेंट है एक्स एम प्लस वन के साथ वो सेम रह रहा है लेकिन जो इंटरसेप्ट है जो सेकेंड वैल्यू है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्स डब्ल्यू वो ऑर्थो के लिए डिफरेंट है मेटा के लिए डिफरेंट है और पैरा के लिए डिफरेंट है इसी तरह अब द फीड प्लेट वही इक्वेशन वैल्यूज वगैरह लगाएंगे लेकिन ये जो चीज है ना ये वेरी करेगी फॉर ईच कंपोनेंट तो ये डिफरेंट हो गई

मतलब जाहिर है टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से दे दूंगा कि दो या तीन पे निकाल लें या कम नंबर ऑफ प्लेट्स हों तो डू तो नॉट तो वरी अबाउट दैट कि आप ये कैसे करेंगे पूरा इन द पेपर्स बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या किया है क्योंकि आपके स्किल्स मैटर करते हैं सिर्फ ये नहीं कि आपकी सीजीपीए कितनी नहीं है चलें जी सम, समझते हैं इसको कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ऑन फर्स्ट प्लेट अच्छा अब इन्होंने जो कैलकुलेशन uh, की हुई है ना वो बॉटम से शुरू किए हैं आप टॉप से भी शुरू कर सकते हैं बॉटम से इन्होंने शुरू की है कि रीपर से जो बॉटम uh, में जा रही है वो उसकी composition कैसे है जी तो द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन द फाउंड फ्रॉम द रिलेशन वाई टू एल्फा नॉट एक्सेस नॉट ओवर ऑफ एल्फा एक्सेस ये वही चीज है यही वाली क्वेश्चन है ये तो इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे वेपर और फिर लिक्विड कंपोजिशन इक्वेशन तो वेपर कंपोजिशन फ्रॉम दैट इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी और uh, और जो लिक्विड कंपोजिशन है फ्रॉम दी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ये हम uh, करते रहेंगे हर प्लेट पे ठीक है तो अब यहाँ पे जरा गौर करते हैं ये मैंने खुद कॉलम में एक बनाया है ताकि आपको अल्फा का अंदाजा हो जाए कि कैसे करना है राइट अच्छा आप कंपोनेंट्स हैं ऑर्थो मेटा एंड पैरा अल्फा की वैल्यूज जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है कि पैरा को उन्होंने रेफरेंस कंपोनेंट बनाया हुआ है ऑर्थो की रिलेटिव वोटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पैरा है मेटा की रिलेटिव वोटी विद रिस्पेक्ट टू पैरा है और ये क्या होती है रिलेटिव वोलेटिलिटी इज इट इज द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स इसका मतलब ये ये है कि ये जो मेटा का वेपर प्रेशर है ना वो पैरा के हिसाब ज्यादा है मेटा का वेपर प्रेशर पैरा की نسبت ज्यादा है तो ये अच्छा ये अल्फा की वैल्यूज आ गई अब हम देखते हैं अच्छा ये एक्सेस की जो वैल्यूज हैं एक्स डब्लू यानी कि ये पहले से हमारे पास गिवन है कि वो यहां 12.5 8.3 एंड 0.792 तो ये बॉटम कंपोजिशन है एक्स डब्लू के वैल्यूज हैं बेसिकली तो एक्स डब्लू के वैल्यूज आ गए अच्छा अब हमने क्या करना है क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है तो हमें प्रोडक्ट चाहिए अल्फा और एक्स डब्लू का तो अल्फा एक्सेस क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्सेस कर दिया इसको स्टिल के लिए ना एक्स डब्ल्यू भी दे सकते हैं डजेंट मैटर ये जो तो नो मन है तो अब आपने मल्टीप्लाई किया 1.7 को 0.125 से तो 0.211 आया 1.16 को 0.083 से 0.096 आया 1 को 0.792 से तो 0.792 ही आया अब ये आपको ये बता रहे है कि अब हमने इसको समेशन करना है यानी कि इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर दिया तो 1.099 आया, ठीक है? सम ऑफ ऑल दिस थ्री वैल्यूज तो अब आपके पास ये सम भी आ गया है और इंडिविजुअल भी आ गए तो अब आप वेपर कंपोजिशन निकाल सकते हैं वेपर कंपोजिशन अब इन्होंने कैसे निकाल लिया इसी इक्वेशन से ये जैसे मैंने पॉइंट आउट भी किया है के जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो वाई एस कैसे कि आपने पॉइंट टू वन वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो आप यहां पे कर भी सकते हैं इज इक्वल टू पॉइंट टू वन वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन नाइन वन आप एक और भी चीज आप देखेंगे जैसे आगे जाके अगर .308 है, अगर है आप कैलकुलेटर uh, से करेंगे ना बिल्कुल इन्हीं वैल्यूज को लेके तो ये पॉइंट थ्री वन वन आता है मतलब थोड़ा सा पॉइंट जीरो 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 टू इसका डिफरेंस आएगा वो क्यों क्योंकि इन्होंने ना इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज की हुई है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जितनी भी आप हंड्रेड uh, डिजिट्स को फिर uh, लेके करते हैं तो थोड़ा सा आ तो अगर आप सिर्फ इसी को लेंगे कि जो अप्री डिजिट इन्होंने किया टू थ्री तो फिर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा लेकिन uh, तरीका कार वही है डजेंट मैटर कि वो जो हंड्रेड्स या था uh, तो क्या करना है 0.096 डिवाइडेड बाय 1.099 वही फार्मूला ठीक है इज इक्वल टू 0.088 0.792 डिवाइडेड बाय 1.099 0.721 ये आपके पास वेपर कंपोजिशंस आ गए वेपर कंपोजिशंस आ गई तो आपने इन फार्मूलों में पुट कर देना है अब y की वैल्यू पुट करें x की वैल्यू निकाल लें y की वैल्यू पुट करें x की वैल्यू निकाल लें लेकिन हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट इक्वेशंस यूज होंगी तो ऑर्थो के लिए ये वाली इक्वेशन यूज होगी फर्स्ट वाली फिर मेटा के लिए ये और पैरा के लिए ये सब के लिए डिफरेंट इक्वेशन इसमें डो नॉट गेट कैर अवे अवे जस्ट यूज सेम इक्वेशन फॉर द थ्री कंपोनेंट्स डिफरेंट इक्वेशन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स राइट तो x1 आ जाएगी फ्रॉम बॉटम ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन अब जब ये x की वैल्यूज आ गई अगेन x की वैल्यूज आ गई तो आपके अल्फा x1 अब 1.7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.308, 1.16 0.088, तो इसी तरह अल्फा एक्स वन की वैल्यूज निकाल ली फिर वाई निकाली बाय अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अल्फा एक्स इसी तरह अल्फा एक्स टू यानी कि अल्फा एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन तो y की वैल्यू और फ्रॉम बॉटम ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन x2 की वैल्यू ये करते रहेंगे करते रहेंगे आप उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आपकी ये जो है ये ना आ जाए कंपोजिशन अच्छा आप ये भी कंपोजिशन बिल्कुल ऐसी नहीं आएगी लेकिन ऑन ऑर्थो ऑर्थो की क्या है सिक्सटी परसेंट यानी कि सिक्सटी के 60 जब करीब करीब आ जाएगी ना तब हमें पता चल जाएगा कि यार इस प्लेट के अब हमने यहाँ पे फीड देनी है और उसके बाद फिर आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएंगी तो आप यहाँ पे देखें एक और करें करते रहें x के x4 नहीं नहीं अभी .411 है अभी और आगे जानी है देखें x5 uh, .488 नहीं अभी और ज्यादा देखें और ज्यादा रिचर हो गया .5556 uh, नहीं अब यहाँ पे देखें x7 जो है ना वो .609 हो गया अब देखें 60% के करीब यहाँ पता चल गया कि 7 प्लेट्स लगेंगी स्ट्रिपिंग सेक्शन में उसके ऊपर चेंज हो जाएगी इक्वेशन तो अब प्लेट कंपोजिशन अब आपके पास काम आप वही करेंगे यहां तक लेकिन ये जो आप वेपर कंपोजिशन निकालने के बाद जो लिक्विड कंपोजिशन है वो निकालेंगे आप टॉप ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन से ठीक है अब यहां एक्स एक्सेट आ रही है the, uh, इन इक्वेशन से इंस्टेड ऑफ द इक्वेशन से नहीं बल्कि टॉप ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन अब ये करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक आपके पास जो ऑर्थो है वो टॉप प्रोडक्ट में पॉइंट नाइन एट आ जाएगा ठीक है तो ये करते रहे करते रहे करते रहे अब यहाँ पे देखें पॉइंट नाइन एट सिक्सटीन प्लेट पे पॉइंट नाइन एट रीच हो जाता है जो कि आपकी जो फाइनल टॉप प्रोडक्ट कंपोजिशन है जो रिक्वायर्ड टॉप प्रोडक्ट कंपोजिशन है वो आ गई तो यहां पे आप फिनिश करेंगे पता चल गया कि 16 प्लेट्स रिक्वायर्ड हैं

इस तरह, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज नोट uh, uh, करें जो कि उन्होंने लिखे हुए भी है कि वेपर रिक्वायर्ड एंडल्यूज ऑफ द मेटा एंड पैरा टू टेक दिसडियल प्लेट विल बी अगर देखें हमने एस्टिमेट क्या लगाया था यानी uh, कि point सिक्स मोल परसेंट एंड वन पॉइंट फोर मोल परसेंट लेकिन जो एक्चुअल है फ्रॉम कैलकुलेशन वो आई है 0.7 परसेंट एंड 1.3 परसेंट तो थोड़ा सा फर्क आ गया ना 0.7 और 1.3 परसेंट तो ये चीज हो सकती है लेकिन हम हमने जो डिजाइनिंग करनी है नंबर ऑफ प्लेट्स वो हमने सही मालूम कर लिया है Uh, अगर हम 1.3 और 7 लेते जैसे मैंने uh, पहले भी आपको बताया था कि हम 0.7 और 1.3 भी ले सकते हैं 0.8 और 1.2 भी ले सकते हैं तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप करके देख सकते हैं 16 ही प्लेट्स आनी थी व ये होता कि अगर हम 1.2 और 0.8 ले लेते तो तो भी इसी तरह की वैल्यूज़ आ जाती है थोड़े बहुत कंपोजिशन में फ़र्क पड़ जाता है बट ये, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई भी, भी है An exact fit in a calculation of this kind is not essential since the equilibrium data and the plate efficiency are known with only limited accuracy. Right? So, this is assumption wise, but you get a fair idea of uh, of uh, the uh, number of theoretical plates required, is uh, methods.